सोलन में जिला कांग्रेस ने आज कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें याद किया। जिला कांग्रेस ने शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जिलाध्यक्ष शिव कुमार और सोलन सदर विधायक और पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल मौजूद रहे। पूर्व मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवाने के लिए कई सत्याग्रह चलाए, हजारों यातनाएं सही, लेकिन अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और यहाँ तक कि अपना जीवन भी बलिदान कर दिया। आज उनके बलिदान को सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज का ये महान दिन दो बहुत ही महान व्यक्तित्व के रहे जो हमारे इस देश के नेता और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जो देश के प्रधानमंत्री रहे, एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। दोनों ही महान विभूतियों का अपना इतिहास रहा। भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो जैसे आंदोलन को सक्रिय किया और ये साबित कर दिया कि बिना किसी हथियार के, बिना किसी बंदूक चलाए भी एक शांतिपूर्ण जो जिसे हम उन्होंने सत्याग्रह का नाम लिया, उसके माध्यम से भी देश को स्वतंत्रता मिल सकती है। आज तक के इतिहास में और बड़े बड़े उसके बाद जो उपनिवेशवाद खत्म हुआ, जो कॉलोनियलिज्म था वो समाप्त होते थे धीरे धीरे, खास कर एशिया के देशों में और पूरे संसार में शांति भावी आज़ादी हुई। तो आज उसी प्रकार से हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो बहुत ही नेक ईमानदार और बहुत बहादुर थे, उन्होंने 1965 की जो हमारी लड़ाई के दिनों में जो भूमिका निभाई है, मथुरा में एक सैनिक के रूप में जाने वाला अच्छा क्षेत्र में था, इन्होंने एक दिन के लिए सब लोगों को कहा था कि भाई इसमें सेना भी शामिल हो, हमारे अन्न की कमी है, अन्न लिया जाए, कोई ऑप्शन ग्रहण की जाए, और वो सब कुछ हुआ। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे लाल बहादुर शास्त्री, उन दोनों महान व्यक्तियों को और इनके जीवन से जो इनकी दी हुई शिक्षा सीख कर धन्यवाद। सोलन में जिला कांग्रेस ने आज कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें याद किया। जिला कांग्रेस ने शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जिलाध्यक्ष शिव कुमार और सोलन सदर विधायक और पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल मौजूद रहे। पूर्व मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवाने के लिए कई सत्याग्रह चलाए, हजारों यातनाएं सही, लेकिन अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और यहाँ तक कि अपना जीवन भी बलिदान कर दिया। आज उनके बलिदान को सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज का ये महान दिन दो बहुत ही महान व्यक्तित्व के रहे जो हमारे इस देश के नेता और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जो देश के प्रधानमंत्री रहे, एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। दोनों ही महान विभूतियों का अपना इतिहास रहा। भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो जैसे आंदोलन को सक्रिय किया और ये साबित कर दिया कि बिना किसी हथियार के, बिना किसी बंदूक चलाए भी एक शांतिपूर्ण जो जिसे हम उन्होंने सत्याग्रह का नाम लिया, उसके माध्यम से भी देश को स्वतंत्रता मिल सकती है। आज तक के इतिहास में और बड़े बड़े उसके बाद जो उपनिवेशवाद खत्म हुआ, जो कॉलोनियलिज्म था वो समाप्त होते थे धीरे धीरे, खास कर एशिया के देशों में और पूरे संसार में शांति भावी आज़ादी हुई। तो आज
उसी प्रकार से हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो बहुत ही नेक ईमानदार और बहुत बहादुर थे, उन्होंने 1965 की जो हमारी लड़ाई के दिनों में जो भूमिका निभाई मथुरा में सैनिक के रूप में, जाने वाला अच्छा क्षेत्र में था। इन्होंने एक दिन के लिए सब लोगों को कहा था कि भाई इसमें सेना भी शामिल है, हमारा अन्न की कमी है, अन्न लिया जाए कोई ऑप्शन धन की जाए, और ऐसा कुछ हुआ। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे लाल बहादुर शास्त्री, उन दोनों महानुभूतियों को नमन करते हैं और इनके जीवन से जो इनकी दी हुई शिक्षा निश्चित करते हैं। धन्यवाद।